हेलो माय डियर फ्रेंड्स, टुडे वी विल डू सम शॉर्ट क्वेश्चंस ऑफ पॉलिटिकल साइंस। आज हम राजनीतिक विज्ञान के कुछ एक शब्दों में उत्तर देने वाले प्रश्न करेंगे या एक लाइन में उत्तर देने वाले प्रश्न करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन हम लेंगे, बंधुआ मजदूरी किसको कहते हैं? बेगार या बंधुआ मजदूरी दोनों एक ही चीज़ है। बंधुआ मजदूरी कहाँ किसको जाता है, ठीक है। सरकार जब एक निर्धारित मूल्य, जैसे कि एक लेबर को देने है पर डे 300 या 500 रुपीज़, जो सरकार द्वारा निर्धारित कर दिया जाता है पर डे का ये प्राइस रहेगा, जैसे प्रति व्यक्ति की ये वाली पर डे के हिसाब से इनकम होगी, ठीक है। उससे अगर कोई कम इनकम देता है तो उसको क्या कहेंगे, बेगार या बंधुआ मजदूरी। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी से कम मजदूरी देना या जबरन कार्य लेना, जबरदस्ती कार्य लेना, उससे क्या कहलाता है, बेगार या बंधुआ मजदूरी कहलाता है। क्लियर। नाउ कम टू दी सेकेंड क्वेश्चन, बेगार प्रथा या बंधक प्रथा को संविधान के किस अधिकार में दंडनीय अपराध माना गया है? सरकार ने जो ये काम करवाया जाता है बंधुआ मजदूरी का या बेगार मजदूरी को, ठीक है, जो हमारे 6 फंडामेंटल राइट है उसमें से किस राइट में इसको मेंशन किया है और ये कहा है कि ये गैर कानूनी है। ये मेंशन किया गया है शोषण के विरुद्ध अधिकार में, ठीक है बच्चों। किस में कहा गया है, शोषण के विरुद्ध अधिकार में। मैंने पहले इसके लिए एक वीडियो बना रखी है, आप उसमें जाके पूरा इसका डिटेल में पढ़ सकते हैं। मच्छल लालुंग को किस वर्ष जेल से रिहा किया गया? मच्छल लालुंग आपके राजनीतिक विज्ञान 11वीं की कक्षा में एक स्टोरी है, पार्ट नंबर 2 में देखेंगे, चैप्टर 2 में है ये स्टोरी। मच्छल लालुंग एक मतलब कि एक व्यक्ति थे जो 20-21 वर्ष में क्या करते हैं, लड़ाई करते हुए पकड़ा जाता है, ठीक है। अब उसको जेल में डाल दिया जाता है, उसको कब रिहा किया जाता है, 2005 में। वो कितने वर्ष तक जेल में रहता है, 54 वर्ष तक। उसने अपनी पूरी लाइफ जेल में ही निकाल दी होती है, ठीक है। ये पूरी स्टोरी है, उसमें सारी चीज़ें लिखी हुई है, किसने किस तरह से क्या लापरवाही की, किसके कारण ये जेल गए, किसके कारण इनको न्याय नहीं मिला, एवरीथिंग इज़ रिटन इन चैप्टर 2 पॉलिटिकल साइंस क्लास 11th की बुक में लिखा हुआ है। जीवन और स्वतंत्रता के अधिकार से क्या अर्थ है? जीवन और स्वतंत्रता का जो राइट दिया गया है, राइट टू लाइफ और राइट टू फ्रीडम, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द मीनिंग ऑफ राइट टू लाइफ एंड राइट टू फ्रीडम? क्या समझते हैं आप इससे? जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार का अर्थ है प्रत्येक नागरिक, जो प्रत्येक सिटीज़न है, एवरी सिटीज़न, दोज हु आर लिविंग इन इंडिया, ठीक है, उसको क्या राइट दिया गया, अपने मुकदमे की निष्पक्ष और त्वरित सुनवाई का अधिकार है। मतलब कि जो कोई भी पर्सन सिटीज़न जो इंडिया में रहता है, उसको अपने आप को प्रूफ करने का, मतलब कि सेटिस्फैक्ट्री रूप से वो अपील कर सकते हैं अगर किसी भी अधिकार का उल्लंघन किया जा रहा है या हो रहा है उसके, ठीक है। मच्छल लालुंग का मामला किस स्थिति का संकेत करता है? जो मच्छल लालुंग का मामला है वो किस स्थिति को संकेत करता है? मच्छल लालुंग का मामला उस स्थिति को संकेत करता है जब संविधान द्वारा प्रदान किए गए अधिकार व्यवहार में प्राप्त नहीं होते। देखो मच्छल लालुंग को 54 ईयर्स तक क्या जेल काटनी पड़ी, अब उसके कौन से अधिकार का उल्लंघन हुआ, राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी का, उसकी कोई सुनवाई नहीं हुई। तो क्या दर्शाता है ये मच्छल लालुंग का जो मामला है, ये दर्शाता है कि उसका कौन से अधिकार का उल्लंघन हुआ है, राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी का, क्योंकि उसके वो अधिकार व्यवहार में प्रयोग नहीं करने दिए गए। अधिकारों का घोषणा पत्र किसे कहा जाता है? अब अधिकारों का घोषणा पत्र होता क्या है बच्चों, जिसमें हमारे फंडामेंटल राइट मेंशन होते हैं, ठीक है। फंडामेंटल राइट पता है ना, 6 फंडामेंटल राइट वी हैव, ठीक है, जिसमें हमारे फंडामेंटल राइट्स मेंशन होते हैं, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे फंडामेंटल राइट्स मेंशन है, ठीक है। तो इसको क्या कहा जाएगा, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अधिकारों का घोषणा पत्र शामिल किया गया है। संविधान द्वारा नागरिकों को प्रदान किए गए और संरक्षित अधिकारों की सूची को अधिकारों का घोषणा पत्र कहा जाता है। क्लियर। मतलब कि संविधान द्वारा प्रदान किए गए जो अधिकार हैं, जैसे कि 6 फंडामेंटल राइट हमें प्रदान किए गए हैं अकॉर्डिंग टू आर्टिकल, आई हैव मेड अ वीडियो ऑलरेडी, यू कैन चेक इन माय प्लेलिस्ट, ओके। तो उसमें क्या लिखा गया है, संविधान ने जो हमारे अधिकार प्रदान किए गए हैं उसको जो संरक्षित करने के लिए बताया है, इसको क्या कहेंगे, अधिकारों का घोषणा पत्र कहा जाता है। क्लियर। अधिकारों का घोषणा पत्र की क्या भूमिका निभाता है? अधिकारों का घोषणा पत्र क्या भूमिका निभाता है, इसका क्या मतलब है, जो अधिकार दिए गए हैं हमें, उसका जो घोषणा पत्र, पूरी सूची, उसका पूरा मतलब कि लिस्ट तैयार की गई है कॉन्स्टिट्यूशन में, उसका हमारी लाइफ में क्या रोल है। अधिकारों का घोषणा पत्र सरकार को अधिकारों के विरुद्ध कार्य करने, सरकार को नागरिकों के अधिकारों के विरुद्ध कार्य करने से रोकता है। किसके विरुद्ध कार्य करने से किसको रोकता है,
यस, सरकार को नागरिकों के अधिकारों के विरुद्ध कार्य करने से रोकता है। क्या रोक, कौन रोकता है? अधिकारों का घोषणा पत्र जो कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है, एवं उनका उल्लंघन हो जाने पर उपचार सुनिश्चित करता है। अगर किसी ने उसका वायलेशन कर दिया है किसी पीपल के द्वारा, किसी दूसरे का राइट टू लाइफ या राइट टू फ्रीडम या इक्वालिटी का उल्लंघन किया गया है, तो जिस बंदे के अधिकार का वायलेशन हुआ है, जिस पर्सन के, वो इसके विरुद्ध कोर्ट में अपील कर सकता है। क्लियर है? अधिकारों का घोषणा पत्र की मांग किसने उठाई थी? सबसे पहले अधिकारों का जो ये घोषणा पत्र है, इसके लिए किसने बोला था या बताया था? 1928 में मोतीलाल नेहरू समिति ने अधिकारों के घोषणा पत्र की मांग उठाई थी। मोतीलाल नेहरू जो कि जवाहरलाल नेहरू के पिता थे, उन्होंने 1928 में क्या की थी? अधिकारों के घोषणा पत्र की मांग की थी। मौलिक अधिकारों से क्या तात्पर्य है? आप मौलिक अधिकारों से क्या तात्पर्य है बताएंगे? आप मौलिक अधिकार किसे कहते हैं? मौलिक अधिकार संविधान द्वारा प्रदान किए जाते हैं। 6 मौलिक अधिकार हैं हमारे पास, और संविधान ने इनकी रक्षा के लिए क्या किया है? असंवैधानिक उपचारों का अधिकार, ठीक है? उन्होंने बताया भी, अगर किसी में, किसी पर्सन के द्वारा किसी दूसरे पर्सन के मौलिक अधिकार या फंडामेंटल राइट का वायलेशन किया जाता है, तो उसके विरुद्ध कार्यवाही की जा सकती है। संविधान द्वारा सूचीबद्ध एवं संरक्षित किए गए अधिकार मौलिक अधिकार कहलाते हैं। जो संविधान ने सूचीबद्ध किए हैं, मतलब कि उनकी जो लिस्ट बनाई है कॉन्स्टिट्यूशन में, और उनको संरक्षित करने के लिए जो भी उन्होंने प्रावधान किए हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, उसको क्या कहा जाता है? मौलिक अधिकार। ओके, आई होप कि आपको मेरे क्वेश्चंस जो मैंने पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड आपको करवाए हैं, 10 क्वेश्चंस, वो समझ में आए होंगे और पसंद भी आए होंगे। इफ़ यू लाइक्ड माय वीडियो देन यू प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर माय चैनल। ओके, हैव अ नाइस डे।